नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरांश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। जी हां, दीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। ऐसे में कॉलेजों की अगर हम बात करें तो किन कॉलेज में दाखिला हो सकता है और स्टूडेंट्स कैसे वहां पर दाखिला ले सकते हैं, तमाम जानकारियां देंगी हमें हमारी साथी पूजा राठौर शर्मा। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा, अगर हम बात करें पहली कट ऑफ लिस्ट की, तो क्या क्या चीजें थी जो स्टूडेंट्स ने फेस की और जिनसे बच के उनको सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जो है उसमें आगे बढ़ना है कॉलेजेस के दाखिले? देखिए गौरांशी, शुरुआत से ही हम ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो डीयू एडमिशन, जो डीयू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो रवैया है वो बेहद ही चौंकाने वाला रहा है। इतनी सुस्त रफ्तार से सब कुछ चला है इस बार कि स्टूडेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर जिस दिन फर्स्ट कट ऑफ आई थी गौरांशी, सबसे ज्यादा परेशानी उन पेरेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो दिल्ली के बाहर से थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही टिकट्स बुक करा ली थी कि इस दिन कट ऑफ आ जाएगी, क्योंकि पहली कट ऑफ 20 तारीख को आनी थी, वो 28 तारीख को आई। तो ऐसे में शुरुआत परेशानियों की तभी से हो गई थी। फिर यहां आकर कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे जिनको लेके स्टूडेंट्स और साथ ही उनके जो पेरेंट्स उनके साथ आए थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर जो एक इशू यहां पर डीयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया था और इस बार कहा था कि इसमें स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी, वो मुद्दा ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अलग नाम से किसी बोर्ड में दूसरे हैं। और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पोल साइंस की बात करते हैं तो सीबीएसई में अगर ये पोल साइंस है तो ये यूपी बोर्ड में ही सिविक्स के नाम से है। अच्छा। तो ऐसे में यहां पर डीयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इस बार सिस्टम निकाला था कि जो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट जिनका सिलेबस सेम होगा उसमें उनका कोई मार्क डिडक्शन नहीं होगा। जी, तो ये फॉर एग्जाम्पल था एक सब्जेक्ट। लेकिन ऐसे ही अकाउंट्स, कहीं सीबीएसई में जैसे वो अकाउंट्स है तो दूसरे बोर्ड में ही वही सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के नाम से है। तो ऐसे कई सारी चीजें थी जिनको लेकर स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर उनकी परसेंटेज पर पड़ता है, सीधा 2.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तो 0.5 से भी एडमिशन रह जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में बहुत दिक्कतें आई। अभी दिक्कतें इतनी थी कि एक दिन का एक्सटेंशन करना पड़ा, खास तौर पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहां पर सीजीपी के अकॉर्डिंगली जो है वहां पर स्कोर होता है। जी, अब जब हम सीजीपी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे सीधे उनके 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी परेशानी हुई। तो ये सब चीजें भी सामने आई है जिसको लेके, हालांकि ग्रीवांसेस सेल बनाए गए थे, वहां पर स्टूडेंट्स थे जो उन्हें काउंसलिंग कर रहे थे, बट स्टिल थोड़ा हमें लगा कि इस बार जो है उतना चुस्त सिस्टम हमें नहीं दिखा जितना होना चाहिए। जी पूजा, अगर हम बात करें, भी आपने बताया कि सीजीपीए के हिसाब से वहां पर चीजें चल रही हैं, ऐसे में सीजीपीए तो सरकार का ही है, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स हैं वो सरकार के बनाए हैं, जितने नियम हैं सरकार के हैं। ऐसे में 10 मार्क्स जैसे आप बता रही हैं कटना, ये तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार की खामी है और डीयू को इसको भरना चाहिए क्योंकि उनके कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा इतना बड़ा था कि डीयू एडमिन को उपराष्ट्रपति के पास जाना पड़ा था, उनसे जाके सलाह मशवरा किया गया है, मीटिंग हुई है। अभी हालांकि क्या उसका आउटकम हुआ है ये अभी नहीं पता है, लेकिन उनको मीटिंग करनी पड़ी है इस मुद्दे को लेकर। एक दिन का एक्सटेंशन करना पड़ा कट ऑफ के लिए, एडमिशन के लिए। जी, तो फिलहाल ये मुद्दे हैं। हालांकि जब हम कल गए, इनफैक्ट जबकि एडमिशंस 2 तारीख को ही बंद हो गए थे, बावजूद उसके कल तक एडमिशंस हुए हैं। तो आप ये लगाइए कि किस तरह का इस बार रवैया रहा, काफी ज्यादा ढीला रवैया दिख रहा है इस बार डीयू को। अच्छा पूजा, अगर हम बात करें डीयू की पहले कट ऑफ की, तो कुल 62,000 सीटें हैं जिसमें से 23,000 सीटें जो है भर गई हैं। अगर हम डीयू प्रशासन की बात करें तो डीयू प्रशासन ऐसा कह रहा है कि यह ऐतिहासिक है, पहली बार ऐसा हुआ है कितनी ज्यादा सीटें भरी हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल, सामने आया भी है कि अब जो आंकड़े, देखिए इसमें हम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते हैं, ये डीयू एडमिन का ही कहना है कि उनकी 23,000 से भी थोड़ा ज्यादा सीटें हैं वो फुल हुई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि आमतौर पर पहली कट ऑफ लिस्ट पे 7 या 8 हजार तक की एडमिशन होते हैं, तो इस बार काफी ज्यादा, 23,000 अगर उससे तुलना की जाती है तो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जो सेकेंड कट ऑफ आई है, मैं आपको बता दूं कि उसमें 0.25% से 3% तक की गिरावट इस वक्त आई है। देर रात ही जो है ये लिस्ट अपडेट कर दी गई है, आज सभी कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। तो देखिए, खास तौर पे मैं गौरांशी बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जो अच्छे, जो डीयू के टॉप कॉलेजेस में लेना चाहते हैं, जो मेनली पॉपुलर कोर्सेज हैं, आर्ट्स, बीकॉम, साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए चांसेस बहुत बहुत ही कम बचे हैं, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हुई है और जिस तरह से पहली कट ऑफ में जो सीट्स फुल हुई हैं उसको देखते हुए बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। तो बहुत संभल कर आप कीजिएगा, खासतौर पर अगर आप आर्ट्स की बात करते हैं बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, साइंस
और बीकॉम में आपके लिए फिर भी चांसेस हैं, तो आप बहुत संभल कर एडमिशन लीजिए, कहीं आपकी थोड़ी सी भी चूक जो है आपका सेकंड कट ऑफ में भी चांस जो है काट सकती है। अगर हम पॉपुलर कॉलेजेस की, हम जो टॉप कॉलेजेस की मैं आपको बता रही हूँ, उसमें हिंदू है, हंसराज, SRCC, LSR, तो इन कॉलेजेस में ज्यादातर जो पॉपुलर कोर्सेज हैं उसमें दाखिले बंद हो चुके हैं, साथ ही जो SC ST है उनके भी दाखिले बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको किसी कोर्स में मिल जाए, तो बहुत संभल कर आगे एडमिशन करें। जी, तो पूजा ये बताइए कि स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें, क्योंकि अब जब आपने उन्हें बता ही दिया है तो उनके दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स ऐसा क्या करें जिससे वो सेकेंड जो कट ऑफ जारी हुआ है उसके बाद कॉलेजेस में एडमिशन ले सके, क्योंकि आप ग्राउंड पर रही हैं, आप वहां पर जमीनी तौर से जुड़ी हैं, ऐसे में क्या रणनीति उनको अपनानी पड़ेगी सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद? जो भी आप फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमें जो दिक्कतें फर्स्ट कट ऑफ के दौरान जो स्टूडेंट्स के बीच दिखी है, ज्यादातर जो काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, ग्रीवान सेल में जा रहे थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि फॉर्म भरते हुए छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। SC ST के जो बच्चे वहां पर आ रहे थे उनके सर्टिफिकेट्स में गलती थी, जिसकी वजह से कभी वो बाहर अपने स्टेट में जा रहे हैं, फिर DU आ रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आई। तो जब भी फॉर्म भरे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाएं, जिनकी मार्कशीट उनके पास ओरिजिनल नहीं है, या जो वेबसाइट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, या जो कर रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये DU ने, एडमिन ने साफ कर दिया है कि स्कूल के प्रिंसिपल से सेल्फ वो अटेस्टेड होनी चाहिए, तभी वो मान्य होगी, अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो। जी, तो ये सब चीजें हैं जिनकी परेशानियों के साथ स्टूडेंट पहुंच रहे थे। तो बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आप बिल्कुल क्लियर रहें कि जरा सी चूक है वो आपको सेकंड कट ऑफ में भी, आपका एडमिशन से भी आप चूक जाएंगे, तो ऐसे में क्योंकि चांसेस बहुत कम है, अगर आप टॉप कॉलेजेस में अपने मनचाहा कॉलेज में मनचाहे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, अच्छे से पहुंचे, कोई मिस्टेक, फॉर्म जब भर रहे हैं बहुत ही क्लियरली फॉर्म भरें, ध्यान बिल्कुल फॉर्म पे होना चाहिए, फोकस्ड रहें ताकि जरा सी भी मिस्टेक ना हो, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। तो चलिए, तमाम चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसा कि पूजा ने आपको बताया कि एडमिशन इस वक्त मुश्किल हो चुके हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जो है उसे जारी कर दिया गया है। आपके क्या कुछ सवाल है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे टोटल न्यूज़। नमस्कार।